Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. So I am back with another outfit from scratch और उसके लिए मैं जा रही हूँ लाजपत नगर मार्केट. एंड इस बार जो मैंने अपना आउटफिट डिज़ाइन किया था वो मुझे बिल्कुल बेसिक आउटफिट चाहिए था, प्लेन फैब्रिक से मुझे बनाना था, जो कि कैजुअल वेयर के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, फॉर ऑफिस वेयर या फिर कॉलेज वेयर के लिए. उसकी डिज़ाइनिंग भी बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाली है. तो जो मैंने डिज़ाइन किया था अपना आउटफिट, वो मैंने समर्स को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया था. तो जो भी मैं फैब्रिक लेने वाली थी वो समर्स के लिए ही लेने वाली थी, ताकि समर्स में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे लगे एंड ब्रीदेबल हो एंड अप्रोप्रिएट हो समर्स के लिए ही. सो लेट्स सी क्या मिलता है मुझे. तो लाजपत नगर में अगर आप आ रहे हैं तो आपको सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा पिंक लाइन का मेट्रो स्टेशन. फिर वहाँ से आपको गेट नंबर 5 से एग्ज़िट करना पड़ता है एंड सामने आपको दो रोड्स दिखेंगी. वहाँ से आपको क्रॉसिंग, ये छोटी सी क्रॉसिंग होती है पतली सी, वहाँ से आपको क्रॉस करना पड़ता है. और उसके बाद ही सामने आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी स्टॉल्स एंड शॉप्स स्टार्ट हो जाएंगी. इसी लेन में आपको स्ट्रेट चलते रहना होता है, फिर लाजपत नगर की एंट्री हो जाती है. तो यहीं पे ही इसी लेन में आपको बहुत सारे शॉप्स दिख जाएंगी, जिसमें आपको ट्यूनिक्स, शर्ट्स एंड ये देखें आप कुर्ता, शॉर्ट कुर्तीज़ थी और ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में थी एंड प्रिंट्स काफ़ी अच्छे थे इनके. और फुटवेयर्स वगैरह की भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी शॉप में, बट ये वाली फुटवेयर्स जो थी ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, तो मुझे ज़्यादा इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी. सो अगर आप देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको यहीं पर ही शॉप्स मिल जाएंगे और यहीं पर ही हमें अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 मिनट लग जाते हैं मार्केट के अंदर पहुँचते. और मार्केट के अंदर तो और भी ज़्यादा वैरायटी है. तो यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे प्रिंट्स के और अच्छे रेयन मटेरियल एंड कॉटन मटेरियल के ये शर्ट्स एंड ट्यूनिक्स थी. तो अगर आपको कैजुअल वेयर या कॉलेज वेयर के लिए कुछ चाहिए तो आप यहाँ से ज़रूर देख सकते हैं. ये 300 to 400 तक की रेंज में थी. और उसके बाद यहाँ पे हमने थोड़ा सा अपना क्रॉकरी वगैरह देखा, ये सेरेमिक की क्रॉकरी थी एंड प्लेट्स वगैरह काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी इनकी भी. फिर उसके बाद ही आप थोड़ा सा अगर आगे जाएंगे तो आपको डिफरेंट चीज़ों की शॉप्स मिल जाएगी यहाँ पे, ये बैग्स की. और इसी लेन में ही उसके आगे थोड़ा और जाएंगे तो बैग्स की एक बहुत अच्छी शॉप आती है. आप ये देखेंगे द वुमेन करके एक शॉप है फैब्रिक्स की, उसी के नीचे यहाँ पे जंक ज्वेलरी मिलती है एंड साइड में आपको बैग्स की शॉप मिलेगी. तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी के एंड अफोर्डेबल रेट्स पर बैग्स मिलते हैं. 350 से लेकर 600 तक की इनकी रेंज होती है, डिपेंड करता है क्या साइज़ है और क्या आप डिज़ाइन चूज़ कर रहे हैं. एंड काफ़ी ब्रांड्स की कॉपी भी है यहाँ पे. और बैग्स की शॉप के साथ में ही आपको एक शेड्स की शॉप भी मिलेगी, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी एंड वैरायटी के आपको शेड्स मिल जाएंगे. सो जो मुझे इस बार फैब्रिक चाहिए था वो जो मैंने कलर सोचा था दैट वॉज टील ब्लू और टील ग्रीन. ये दो ऑप्शंस में मैं कुछ चूज़ करना चाह रही थी अगर मुझे कोई अच्छा फैब्रिक मिलता है तो. कॉटन ही मटेरियल लेना चाहती थी, बट कॉटन में भी डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं. तो मैंने यूट्यूब में देखा था कि लाजपत नगर में पारस फैब्रिक करके एक शॉप है फैब्रिक्स की ही, और उसकी उस वहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है. इसी लेन में आप देखेंगे ये वाली शॉप पड़ती है थोड़ा सा आगे जाकर ही. सो ये पारस फैब्रिक का मैंने बहुत ज़्यादा नाम सुना था यूट्यूब में, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको भी इसकी काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी. तो इस शॉप में आपको होलसेल प्राइसेस में भी फैब्रिक मिल जाता है और रिटेल प्राइस पे भी फैब्रिक मिल जाता है. अगर आपको बल्क में खरीदना है तो आपको होलसेल का रेट लगा देंगे. सो स्टार्टिंग में ही मैंने यहाँ पे देखा ये सूट कितना प्यारा लग रहा था. इट वाज नेट का मटेरियल था ये, और उसमें बहुत प्यारी एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी एंड इट वॉज़ अराउंड 3000 रुपीज़ शायद. सो मतलब ये मुझे बहुत प्यारा लगा था. अगर आप देखें उसका डिज़ाइनिंग और फिनिशिंग बहुत अच्छी है. फिर उसके बाद हमने शॉप के अंदर एंट्री ली एंड वहाँ पे हमने काफ़ी सारा रिसर्च किया. तो फर्स्ट फ्लोर में जो बेसिकली आपका है ग्राउंड फ्लोर, वहाँ पे आपको सारा ये एम्ब्रॉयडर्ड कॉटन मिलेगा जो कि डायबल भी होता है. इसमें कलर भी है डिफरेंट और वाइट की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी जो कि डायबल होता है, और उसमें बहुत अच्छी अच्छी एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी. और इन सब के रेट्स डिफरेंट थे डिपेंडिंग अपॉन कैसी एम्ब्रॉयडरी उसमें हुई हुई है. सो स्टार्टिंग रेंज आई थिंक 250 थी, और उसके बाद प्राइसेस इंक्रीज़ होते रहेंगे. सो देखिए जैसे ये वाला जो मटेरियल है ये 665 रुपीज़ पर मीटर था, ये वाला जॉर्जेट में था ये एंड इसमें एम्ब्रॉयडरी पूरी में हुई हुई थी. और कॉटन मटेरियल भी था यहाँ पे एम्ब्रॉयडर्ड वाला ही, तो उसकी भी 350-400 ऐसा आपको मिलेगा पर मीटर पर. तो काफ़ी सारे ऑप्शंस थे यहाँ पर. यहाँ पे आपको नेट में भी मटेरियल मिल जाएगा और चिकन वर्क में भी आपको काफ़ी अच्छी रेंज मिल जाएगी. ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा डिज़ाइन था, ये नेट में था. और आपको नेट में अगर आपको पार्टी वियर ड्रेसेस बनानी है, लहंगा या फिर साड़ी, तो उसके लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे. सो उन्होंने हमें बताया कि जो प्लेन फैब्रिक है वो सेकेंड फ्लोर में है. सो यहाँ पर लिफ्ट भी, अगर आपको लिफ्ट यूज़ करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं.
तो हमने सोचा कि हम लोग एक बार फर्स्ट फ्लोर में भी चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे क्या वैरायटी है. तो फर्स्ट फ्लोर में प्लेन कॉटन नहीं था, प्रिंटेड कॉटन की वैरायटी थी. रेयॉन मटेरियल या फिर कॉटन मटेरियल आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी वैरायटी थी और स्टार्टिंग रेंज इनकी 250 ही थी कॉटन की भी पर मीटर. अगर ये साड़ियों के लिए आप देख सकते हैं, ये जॉर्जेट शिफॉन का मटेरियल था, काफ़ी अच्छा था. और उसके बाद फिर हम सेकंड फ्लोर में गए जहाँ पे हमें सारा प्लेन फैब्रिक मिला. सो उसी में से मुझे वो कलर चूज़ करना था, टील ब्लू या फिर टील ग्रीन, तो उसी के ऑप्शंस में देख रही थी. तो यहाँ पे इन्होंने तीन वैरायटी लगा रखी थी, एक मटका कॉटन, एक मुडाल साटिन और एक कैम्ब्रिक कॉटन. सो मुडाल साटिन जो था वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत लग्जूरियस मटेरियल लग रहा था, छूने में बहुत ज़्यादा अच्छा था ये एंड कंफर्टेबल भी बहुत ज़्यादा लग रहा था. बट इसकी जो स्टार्टिंग रेंज थी वो 195 पर मीटर थी आई गेस. तो मुझे कुछ कैजुअल वेयर के लिए ही चाहिए था जो कि मैं कैजुअल वेयर में पहन सकूं, एंड दिस वाज मटका कॉटन. सो ये थोड़ा सा थिक मटेरियल था एंड मुझे ये थोड़ा सा थिक लगा समर्स के लिए. ये मुडाल साटिन था जो आप देख रहे हैं पीछे, और इसकी एकदम शाइन बहुत अच्छी थी एंड ये लग्जूरियस मटेरियल लग रहा था बहुत ज़्यादा. सो फाइनली हमें कुछ टील ग्रीन में दिखा और ये मुडाल साटिन में था. इस फैब्रिक की फील बहुत ज़्यादा अच्छी थी एंड बहुत सॉफ्ट था ये, और ये अराउंड 195 रुपीज़ पर मीटर था और प्लस GST सब में. अगर आप कोई भी यहाँ से फैब्रिक इस शॉप से ख़रीदते हैं तो आपको 5% GST एडिशनल देना पड़ेगा. फिर उसके बाद हमने सिंपल बेसिक कॉटन में थोड़ा सा सर्च किया, तो वहाँ पे कैम्ब्रिक कॉटन की भी काफ़ी वैरायटी थी. अगर आपको कोई भी कलर चाहिए आपको सारे कलर्स यहाँ मिल जाएंगे. एंड फिर मैंने ये टील ब्लू कलर निकलवाया था, कैम्ब्रिक कॉटन में था ये. कैम्ब्रिक कॉटन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है वो भी, एंड समर्स के लिए बहुत कम्फर्टेबल होता है और ये अफोर्डेबल भी था रेंज में. सो इट वॉज़ अराउंड 115 पर मीटर और एडिशनल 5% GST तो लगेगा ही. हल्का सा सी थ्रू था बट स्टिच होने के बाद उतना पता नहीं चला एक्चुअली में. फिर मैंने सोचा कि एक बार मैं मार्केट में भी एक्सप्लोर कर लेती हूँ फैब्रिक कैसे मिलते हैं वहाँ पे. और फिर रस्ते में ही डॉलमा आंटी की शॉप दिख गई, तो वहाँ पे हमने कोल्ड कॉफ़ी ले ली एंड मोमोज ले लिए, और उसके बाद हम लोग मार्केट में एंटर हो गए. एंड मार्केट में यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर वैरायटी आई हुई थी सूट्स की. अगर आप देखेंगे तो ये कितना प्यारा सूट था, चिकन की पैंट्स थी एंड वो ग्रीन वाला, और उसमें पूरे में लेस वर्क हो रखा था, कॉटन मटेरियल था. एंड इस बार ज़्यादा मसलिन कॉटन की ज़्यादा वैरायटी आई हुई थी, सारे सूट्स ही मसलिन के थे. और इनकी जो रेंज थी वो 1000 से स्टार्टिंग थी बिल्कुल बेसिक कॉटन की, और उसके अलावा 3000 तक इसकी रेंज थी. तो जो ये वाला सूट था ग्रीन वाला, ये बहुत अच्छा सॉफ्ट मटेरियल था कॉटन में, एंड ये सेमी स्टिच था और इसमें पूरे में लेस वर्क हो रखा था. और नीचे भी आप देखेंगे बॉर्डर में पूरा लेस वर्क है, और जो इसकी पैंट्स थी वो चिकन वर्क में थी एंड वो स्टिच थी पूरी, और इसके अलावा दुपट्टा था इसके साथ. सो इसके प्राइस जो थे वो अराउंड 2000 समथिंग थे. स्क्रीन पे मेंशन मैं कर दूंगी प्राइसेस एक्चुअली में क्या थे. उसके अलावा आपको चिकनकारी वर्क की काफ़ी प्यारी कुर्तीज़ मिल जाएंगी बहुत प्यारे प्यारे कलर्स में. एंड हमें मम्मी के लिए भी कुछ सूट्स परचेज करने थे तो इसलिए हम वही देख रहे थे. और हम कुछ फैब्रिक्स की शॉप में भी गए थे जहाँ की मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई. उसके अलावा मुझे यहाँ पे इतनी सारी शॉप्स में ये दिखा ज़ारा के जो ड्यूब्स थे ज़ारा की ड्रेसेस के, एंड ये 600 से लेकर 800 तक की रेंज के थे. और कॉर्ड सेट्स भी बहुत सारे मिल रहे थे, 350-400 डिफरेंट रेंज के. तो काफ़ी सारी शॉप्स में देखने के बाद मैं वापस से पारस फैब्रिक ही आई, क्योंकि वहाँ पे सेम मटेरियल मुझे 125 पर मीटर मिल रहा था और यहाँ पे जो कैम्ब्रिक कॉटन था वो 115 पर मीटर की रेट में मुझे उन्होंने बताया था. प्लस GST के बाद भी अराउंड 50 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा था. मुझे 5 मीटर का फैब्रिक चाहिए था तो फाइनली मैंने वो टील ब्लू वाला कलर परचेज़ कर लिया है. और इसके बाद फिर से मैं मार्केट के अंदर चले गई क्योंकि वहीं पे मेरी मम्मी और मेरी खाला वेट कर रही थी. मैं जनरली उन्हीं के साथ आती हूँ शॉपिंग करने के लिए. सो वो लोग सूट्स देख रहे थे. तो ये एक लेन, पतली सी लेन आती है, अगर आप सेंट्रल मार्केट कभी आएंगे तो वो पतली सी लेन में सारे आपको सूट्स की शरारा, गरारा, पार्टी वियर सूट्स, इन सब की वैरायटीज़ वहाँ पे आपको मिलेंगी. और इतने प्यारे प्यारे शरारा के सेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे. शादी सीज़न अगर जो जैसे भी चल रहा है तो आपको काफ़ी अच्छी वैरायटी वहाँ मिल जाएगी. और कुंदन वर्क में
और उनकी रेंज भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल थी. अगर आप वो ऑलरेडी सेमी स्टिच होते हैं आई गेस, तो उसमें ज़्यादा स्टिचिंग कॉस्ट भी नहीं आती है. 3000 और 4000 के अराउंड आपको वो मिल जाएंगे वहाँ पे, और 750 से स्टार्टिंग रेंज होती है कॉटन के सूट्स की. उसके अलावा जैसे जैसे मटेरियल एंड डिज़ाइनिंग होती है उसके अकॉर्डिंग ही प्राइस इंक्रीज़ होता रहता है. तो ये वाला जो सूट था ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था और ऑर्गेन्जा का ही पूरा सूट था, और नॉर्मल कॉटन या सेंटून मटेरियल की पैंट्स थी. और इसका जो प्राइस था वो अराउंड 1200 या 1300 के बीच में था. और ये जो पर्पल वाला सूट है ये भी ऑर्गेन्जा का ही था, ये 1300 के अराउंड था. इसमें आपको लाइनिंग लगानी पड़ेगी अलग से, बट इसका डिज़ाइनिंग इतना अच्छा नहीं लग रहा था हमें. सो इस बार जो ज़्यादा वैरायटी थी वो मसलिन एंड ऑर्गेन्जा की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी. तो इसी में आपको सारे सूट्स एंड चाहे वो पार्टी वेयर हो चाहे वो डेली यूज़ के हो, इसी वैरायटी में आपको सूट्स मिलेंगे. बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी वाले आपको शरारा सेट यहाँ मिल जाएंगे पार्टी वेयर के लिए. और कॉटन की तो वैरायटी होती ही है, नॉर्मली हर वीक वैरायटी चेंज होती है यहाँ पे. तो हमने कुछ सूट्स परचेज़ किए. उसके बाद फिर एक ये बहुत फेमस शॉप आती है, इस शॉप का नंबर मुझे याद नहीं है, बट ये अगर आप वस्त्र वाली जो स्त्री वस्त्र एक शॉप है फैब्रिक्स की, वहीं से आप स्ट्रेट चलते हैं तो वहाँ पे एक शॉप आपको दिखेगी बड़ी सी, जहाँ पे पूरी सारे आपको डिफरेंट टाइप की ज्वेलरी मिल जाएंगी. यहाँ की वैरायटी बहुत अच्छी होती है इयररिंग्स की और रिंग्स भी. यहाँ पे ब्रेसलेट भी हैं एंड नेक पीसेस भी हैं, तो हर चीज़ की वैरायटी है इस शॉप में. ये आपको अलग से ही दिख जाएगी शॉप उसी लेन में. फिर उसके बाद हमें भूख लग गई थी तो एज़ यूजुअल हमने चाट खाई. सो इस बार हमने भल्ला पापड़ी ली थी एंड उसके अलावा दही वाले गोलगप्पे लिए थे. उनको दही पूरी कहते हैं आई गेस, तो हाँ दही पूरी ली थी, बट वो उतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं लगी मुझे. सो टेस्ट था इसका, दही भल्ला का टेस्ट अच्छा था बट दही पूरी का टेस्ट ओके था. एंड अब बहुत ज़्यादा हम थक गए थे, तो जो भी शॉपिंग करी थी हम सीधा वापस आ गए. मैंने कुछ और एडिशनल परचेज़ नहीं किया, लेसेस वगैरह. उसके बाद फिर मैंने उसी शॉप से ये नेक पीस लिया था एंड ये इयररिंग्स लिए थे मैंने. तो मुझे इस सूट के लिए कुछ लेसेस या फिर बटन्स परचेज़ करने थे डिज़ाइनिंग के लिए. तो बीच में मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए मैं काफ़ी दिन तक मार्केट नहीं जा पाई. तो कुछ दिन बाद मैं फिर से लाजपत नगर गई थी एंड फिर मैंने देखा कि कुछ इसके साथ मिल जाए एडिशनल, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग अच्छी हो जाए सूट के लिए. बट सेम कलर में ना तो मुझे बटन्स मिले और ना ही मुझे कोई लेस मिली. मैं सेम ही कलर का चाहती थी कुछ, क्योंकि मैं इसमें कोई डिफरेंट कलर नहीं लगाना चाहती थी. वाइट या ब्लैक इसमें चल रहा था, ये ग्रे भी चल रहा था, बट मैं कुछ डिफरेंट नहीं चाहती थी. मैं सेम कलर के बटन्स चाहती थी कि पूरे ऑल ओवर में सूट में बटन्स लगा लूँ सेम कलर के, या फिर कोई ऐसी लेस मुझे मिल जाए जो सेम कलर की हो और वो उसमें हो जाए. और अच्छा, लेस ये कलर डार्क था तो इसीलिए लेस को मैं डाई भी नहीं करा सकती थी. डाई लाइट कलर में ही मोस्टली होता है, डार्क कलर में वो कह रहे थे उतना कलर नहीं चढ़ पाएगा. सो इसलिए कोई वैसी पॉम्पम या कोई दूसरी डाइबल लेस भी मैंने नहीं ली. सो लेसेस की इतनी अच्छी वैरायटी थी ग्रे, ऑल दो वो ग्रे और सिल्वर वाली लेस भी बहुत प्यारी लग रही थी, बट मैंने नहीं ली. फिर उसके बाद दुपट्टा भी मैंने देखा था, दुपट्टा सेम कलर का मुझे नहीं मिला, डाई ही कराना पड़ा था. एंड फाइनली मैंने अब आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि मैंने ये 5 मीटर फैब्रिक लिया था जो कि कैम्ब्रिक कॉटन था और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, समर्स के लिए अच्छा था. धुल धुल के ये और सॉफ्ट होता है मटेरियल. अच्छा, मैंने इसमें ये भी सोचा था कि मैं कपड़े के ही बटन लगवा लूँ ऑल ओवर सूट में, बट वो ऑप्शन भी मैं नहीं कर पाई बिकॉज़ मेरे मास्टर जी जहाँ से बटन्स बनवाते हैं वो अवेलेबल नहीं थे अभी. तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसका कुछ सिंपल कॉर्ड सेट ही बनवा लेती हूँ. वैसे भी आजकल कॉर्ड सेट्स काफ़ी इन हैं, तो मुझे सिंपल ही आउटफिट रखना था कैजुअल वेयर के लिए, इसलिए मैंने कुछ एडिशनल गोल्ड वगैरह की डिटेलिंग नहीं करवाई. तो टेलर को सब कुछ बताने के बाद मैंने ये आउटफिट डिज़ाइन करी थी. कॉलर हाफ कॉलर नेक है जिसमें वी नेक मैंने इस फ्रंट से रखवाया है एंड स्लीव्स में मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करवाई है. तो स्लीव्स को मैंने अफगानी वाली स्लीव्स बनाई हैं जिसमें प्लेट्स दी हैं आगे से और कफ होता है आगे से. तो इसकी जो मेन लुक है वो स्लीव्स की ही लुक है और इस स्लीव्स के साथ ये वाला जो नेक डिज़ाइन है ये बहुत प्यारा लग रहा था. आगे आप फुल आउटफिट का जब रिव्यू देखेंगे तो उसमें आप देखना. और इसको मैंने लॉन्ग रखवाया है
लेंथ 45 रखवाई है और जो पैंट्स हैं वो मैंने थोड़ी सी ब्रॉड रखवाई हैं, जैसे प्लाजो पैंट्स होती हैं, बट बहुत ज़्यादा वाइड भी नहीं है। इसका जो लुक है ओवरऑल वो बहुत अच्छा आता है प्लाजो का एंड लॉन्ग कुर्ता उसमें आप देखेंगे तो। वैसे ये बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, स्ट्रेट फिट ही है, बट बहुत कंफर्टेबल होता है समर्स में इतना वाइड, थोड़ा ओपन ओपन एंड एयरी होता है। उसके अलावा मैंने ये दुपट्टा परचेज़ किया था, ये दुपट्टा शिफॉन मटेरियल में है एंड इसमें पॉम पॉम का कुछ इफेक्ट है पूरे दुपट्टे में, इसको मैंने डाई कराया था। तो ये मेरा पूरा सूट था, होप यू लाइक्ड द आउटफिट। सो या दिस वॉज इट फॉर टुडे, होप यू लाइक द वीडियो एंड यू लाइक द आउटफिट। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू सून, टिल देन टेक केयर।